नहीं है। अगर इस डीसी का मन साफ है, नियत साफ है, तो ये अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा बात। और सबसे बड़ी चीज आज की कि कांग्रेस और बीजेपी ने रल के मिल के अपना अलायंस बनाकर अपना मेयर बनाया है। कांग्रेस ने आज बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस अपने लोगों से एक्सटेन कराती है, अपने कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल कराती है, और एक अलायंस, एक हिडन नेक्सस के तहत बीजेपी का मेयर कांग्रेस ने बनवाया है। पंजाब में भी ये लोग अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अपना ये हिडन अलायंस करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूँ। आज दो चीज मोटे मोटे तौर पर निकल के आती। पहली चीज कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को विशिएट कर दिया गया। आज जो मेयर का इलेक्शन है ये एक अनफेयर और एक पार्शल इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं है, जिसमें पूरा प्रशासन बीजेपी का मेयर बनाना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन आज का वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक हिडन अलायंस करके, एक गुप्त गठबंधन करके अपना मेयर यहाँ बनाया, ताकि आम आदमी पार्टी सवाल है। 14 वोटें जो थी बिल्कुल साफ थी, 14 आम आदमी पार्टी के पास थी और 14 ही बीजेपी के पास थी। एक जो इनवैलिड जो वोट है, एक आम आदमी पार्टी की एक वोट जो है इनवैलिड हुई, जिस वजह से बीजेपी का जो मेयर है इलेक्टेड हुआ। और जब वो मतलब उसके बाद आम आदमी के जो काउंसलर थे उन्होंने तोड़फोड़ किया, उसके बाद आपके जो प्रेजिडेंट थे प्रेम करंग जी वो हाउस में घुस गए हैं। बता देता हूँ जी, सुनो मेरी बात, आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आम आदमी पार्टी के पास 14 का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पास 12 का आंकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अलायंस हुई तो कांग्रेस ने अपना एक काउंसलर बीजेपी के पाले में भेज दिया, तो हमारा हो गया 14, बीजेपी का हो गया 13। अगर ये वोटिंग होती तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनता। इन्होंने पहले तो अपने वोटों को 14 कर लिया, इन्होंने अपने चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर जी को बुला लिया, जो कानूनी तौर पे वोट नहीं डाल सकती। पहले वो डालते रहे हैं, मेरी बात सुन, उनको बुला लिया और अपना आंकड़ा 14 कर लिया, तो आम आदमी पार्टी का भी 14, भारतीय जनता पार्टी के 12 जीते, एक कांग्रेस ने उन्हें एक सपोर्ट कर दिया, अपना बनता उनका अलायंस हो गया और एक किरण खेर जी आ गई, तो 14 versus 14। इस सूरत के अंदर मेयर का चुनाव सिक्का उछाल के किया जाता है कि सिक्का उछालेगा और जो उस सिक्के से फैसला होगा कि इस साल हमारा मेयर बनेगा कि उनका बनेगा। या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो पहले तो भाजपा के खेमे में 13 वोट्स और आम आदमी पार्टी के खेमे में 14 पड़ने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने अपने एमपी बुला लिए, 14-14 हो गए, तो फिर सिक्का उछाल के फैसला करना चाहिए। जब 14-14 हो गए तो इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के एक वोट निकाला और कहा अरे ये तो थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और कांग्रेस का, बीजेपी का एक फटे हुए वोट को जिसपे पीछे पूरी ड्राइंग बनी हुई है, जो कानूनी तौर पर रिजेक्ट होना चाहिए था, उसे वैलिड ठहराकर उनका आंकड़ा 14 कर दिया, हमारा 13 कर दिया और मिनटों में सर्टिफिकेट मेयर का बीजेपी को पकड़ाकर कहा आपका मेयर बन गया। सरेआम धक्का धोखा फरियाब आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। और एक बड़ा जो एक कंक्लूजन इससे निकल रहा है कि ये रन के मिलके कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका नेक्सस चल रहा है और ये नेक्सस के तहत इलेक्शन इसका तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि किसी के पास विरोध दर्ज कर सकते थे और आगे विरोध करने का बड़े तरीके है, वो तोड़फोड़ करने का, हाउस में तोड़फोड़ करने का तो कोई मतलब की आम आदमी पार्टी के जो पार्षद पिछले किसी भी तरीके से आप जायज नहीं कह सकते जी। मैं पिछले आधे घंटे से डीसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, मेरे साथ दिल्ली के 3-4 और विधायक हैं, हम 4 विधायक मिलके डीसी से नहीं मिल पा रहे। डीसी इतना बड़ा अफसर है कि 4 विधायक बाहर खड़े, 12 की उनसे बात नहीं कर सकता, उन्हें अपने दफ्तर में नहीं बुला सकता। यानी कि डीसी के मन में चोर है, डीसी नहीं मिलना चाहता, उसकी नियत साफ नहीं है, शायद बीजेपी से कोई सेटिंग हो, हमसे मिलता क्यों नहीं है। पूरे चुनाव को इन लोगों ने, मेयर के इलेक्शन को विशिएट कर दिया है और एक पार्शल चुनाव, एक पक्ष को जिताने के लिए और दूसरे पक्ष को हराने के लिए चुनाव कराया गया है। हमारे पास क्या चारा है, हम तो डीसी के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, जब तक डीसी हमारी बात नहीं सुनेगा हम यहीं बैठे हैं।